बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक खुश रखे, शादोबाद रखे। इसी दुआ ने अज की वीडियो शुरू कर दी। शुरू करने तो पहले छोटी रिक्वेस्ट कर दी, ऐशा फैमिली ब्लॉग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन सब्सक्राइब करो, बैल बटन जरूर प्रेस करो कि साड़ी हर वीडियो नोटिफिकेशन मेरे भैन भरावों तक बार वक्त पहुँचता रहे। अज की वीडियो कुछ इस तरह वा, मम्मा दानिश तो मम्मा दानिश के दादे का प्यार देखो। अगर मैनू कह रहा मैनु चक तो मस्तियां कर रहा है। हाँ जी, ते मम्मा दानिश तेरा बालू आ गया, तेरा बालू आ गया, देखो 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 तेरा बालू आ गया। ये जो दिल करता वा नीचे जिहड़ा ना जिस साइड ते सतारी जी नहीं लगी हैगी, जो सौन का टाइम हुंदा वा ते सतारी जी थले नीचे पुट्ठी करके ते बालू दे उत्ते सिर रख के ते सौ जांदा। कल भी बालू उत्ते सिर रख के सौ गया सी। ये मेरे बालू दा वा, ये बालू वरगा ना तू आप, ये बालू वरगा ना तू आप फुलिया फुलिया। राती दी तबीयत खराब सी ते मैं ते फिर ऐशा ते बूढ़े नूं डाक्टर दे कोल लै गए ते उत्थे डाक्टर नूं जी दबके मारे, दबके मारे इन्ना डाक्टर हसया उन्होंने दबके मारे। जिहड़े होर मरीज आए बैठे सीगे दवाई लैन, डाक्टर को दवाई लैन वास्ते बच्चों ने चैक कराने, बच्चों का बुखार का बुहारा वा। इन्ने बच्चे कल भी आए हुए से अल्लाह पाक साहब, हाँ जी सारे बच्चों अल्लाह पाक तंदुरुस्ती देवे, सेहत देवे ते किसे सदके मेरे मम्मा दानिश नूं देवे। राती इन्हूं डाक्टर ने चैक करा, इन्ना डाक्टर हसया कहिंदा वी दे डाक्टर नूं दबके मारे ते सारे जिन्ने मरीज आए हुए से सब नूं दबके मारे वी है ना, वी तुसीं की करदे आ। उन्होंने कहे ओए दबके मारे ते हुण माशाल्लाह अगे नूं मेडिसिन दित्ती आ, काफी अगे नूं कुछ बेहतर आ। अल्लाह पाक नूं तंदरुस्ती देवे, सेहत देवे। ते मैं ते ऐशा ते अबू हुणा किते जा रहे ते वी जिथे जिथे जावांगे ते असीं अपने भैण भरावां नूं नाल असीं आप खुद भी इंजॉय करांगे, अपने भैण भरावां नूं इंजॉय करावांगे इंशाल्लाह। ते क्योंकि मेरी वीडियो दे नाल नाल जुड़े रहना, मेरी वीडियो स्किप नहीं करनी है, पूरी वाश करनी, पूरी वाश करोगे ते तुहानूं नहीं स्किप, तुहानूं भी मजा आऊगा ते मैनूं फिर तुर के बनाउण दा मजा आऊगा। लो जी मैं अपने भाई दे सिर ते आ गई ते नाले ले जाऊंगी साग, साग जिहड़ा फिर ओह भी किते देखदे आ जिथों मिल गया उथों फिर तोड़ के जाऊंगी। ते भाई दे रहे हैं तेरे मेथे जड़े ये बहुत मजेदार, बहुत फेवरेट मेरे मेथे है, बहुत अच्छे बनते हैं। तो आलू मेथे बनावे तो नाल भी हम मेथे आई सी मैं भाई को पूछे भाई के को इतना मेथे तोड़ के जाने क्योंकि इदा उपरे उपरे तोड़ने पेंदे आ कि ये वाया बाधी तो जोड़ा दिया दर्दा तो ये मेथे जड़े बहुत अच्छे है। ये तो इन्होंने जोड़े बी होंगे आ कड़े हुए वो भी जड़े भी बनते हैं जिदा भी आप पिनिया पंजीरी वगैरह इस तरह बना ले दी है ते इस तरह भी ये बहुत प्यारे बनते हैं ते इस तरह भी सालन भी इन्हें भुर्जी बना के खाओ तो भी प्यारे बनते हैं। तो हम इन्हों तोड़ते हैं, तोड़ के फिर साग भी लावांगे। तो अज मैं अपने भैन भरावों नाल थोड़ी जी रैसपी जी ना होर भी दिखाऊंगी। तो भाभी मेरे बेचारी का हाथ दुखता वो एक हाथ के नाल ही मैनू तोड़ तोड़ के फड़ा दी है। तो भाभी मेरी की बाजू जरा अजय मैं आराम नहीं आया है अच्छी तरह, बाजू जरा बेचारी आज इधरला जरा ना सुक गया वो, बिल्कुल सुक गया वो, एक हाथ के नाल बेचारी काम करती। अल्लाह पाक साहब तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। हम मैं बह गई बैठ के तोड़ दी वजी निके का दूजे का निके का कि हूँ साल दाखला फिर दोबारा दाखला हो। हाँ जी, जिस जिस भैन ने उस बेटे वास्ते पैसे भेजे सके तो अरसलान बेटा फिर आके उन्होंने दे के गया सीगा तो अज ओदी कहिंदे वी तबीयत फिर ज़्यादा खराब हुई हुई है। तो कल दे हाँ जी ऑक्सीजन लगा होया तो झटके लगन डे बेचारे तो ना अज सरकारी अस्पताल है ना भी दाखला फिर दोबारा बेचारा। तो अल्लाह पाक उन्होंने तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। लो जी असी हुण मेथे जड़े वो कट्टन डईयां सीगियां ते दूसरा साड़ी बहू राणी चाय बना के लाई ते हुण भी पीने चाय ते जे मेरे भैन भरावां ने भी चाय पीनी आ ते आ जाओ क्योंकि सर्दी बहुत बहुत ठंडी हवा चल ठंडी हवा चलदी पई। हां जी हवा ठंडी चल चादर इसे तरह लाई उतो मुंह भी तां लपेट के बैठा, मुंह लपेट के बैठा ते मुंह हवा ना लग जावे है ना, बुल फट देना ठंडी हवा नाल तां मुंह लपेट आया इदां करके। ते असीं लगे हुण चाय पीन, चाय पी के जिहड़ा फिर होर काम करन वाला आया असीं ओह वी नाल नाल जरूर करांगे इंशाल्लाह। हुण चाय पीनी, वीडियो दे नाल जुड़े रहना, मेरी वीडियो स्किप नहीं करनी हैगी। लो जी मेथे तोड़ के मैं छापर पा के रख लई ते हुण थोड़ा जिहा मैं जांदे जांदे साग लै चली ते साग भी जाके तैयार कर लवांगे, हुण जिहा करांगे फिर तैयार कर लवांगे ते थोड़ियां चीज़ां नाल जावांगे जिहड़े फिर ज़्यादा नहीं बनाना हैगा थोड़ा ही जिहड़ा भी जिन्ना कि खा लईए। एंड दा साग, एंड दा साग, हां जी एंड दा साग क्योंकि हुण राया बिल्कुल खत्म हो गया,
गोभी सिर्फ खत्म हो गई है, सिर्फ अपने भाई दे इहदे हैगे पट्ठे बीजे हुए उन्होंने लभ लभ के तोड़न डे हुए हैं। तो यह भतीजा देखो ये चाकू ना जो फोड़ पिछों फुटी हुई ना वो ना पिछों साग कट्ठा कर डे जी माशाल्लाह तोरी गया ये ढाई किले तोड़ो तोड़ो तोड़ पट्टी ढाई किले की तोरी की हैगी। तो मैं हूँ जा रहा कमाद कमाद के सिरे पहुँच आया इतों तोड़दा ताज़ा गन्ना गन्ना तोड़ के तो फिर चूबते हैं। यह मौज हैगी देहात की ये भी इतने हर चीज़ फ्रैश मिल जाती हैगी। यह कमाद देखो माशाल्लाह बहुत ही लंबे लंबे गन्ने है तो हम चलते हैं इतों गन्ना तोड़ के लिया एक लो जी। हम मैं अपने भाई दे कोल पहुँच चुकी हूँ। मेरा भाई छोटा मेरा भाई जरा ये चुंबे नीचे अग झोंकन दिया वा तान मूँ कर ला वेले थले कड़ाह के थले झोंकी ला रहा वा क्योंकि गुड़ बन रहा वा। ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह गुड़ बन रहा वा। तो उस साइड से जरा भी ये भी नाल दिखाई है गन्ने जड़े पीड़ रहे हैं वो भी नाल मैं दिखाई अपने भैन भरावान ना। इस तरह इधर सारी जिंदगी मेरे बू ने बाई की थी। इस तरह ही से अपने अबू के नाल भी बनवाई दा सीगा ते अज मेरे अबू की याद जी ताजी होगी। इस तरह ही मेरा अबू बाई का काम करते होंगे सी सारा काम इस तरह अजय बनते गुड़ जो अच्छी तरह तैयार होना बिल्कुल पत्त जी इन अद्धा घंटा जरा लग जाना। लो जी हूँ घर पहुँच चुके हैं। मरियम बेटी मूलियाँ क्रश कर रही है तो मूलियाँ क्रश करके तो हम बनाई है परांठे मूलियाँ वाले तो मूलियाँ वाले परांठे नाल तैयार करा तो नाल ब्रांड बना दिखावे। लो जी मूलियाँ क्रश हो चुकिया सकिया तो बेच हरा धनिया तो मेथी ये कट के पा दी है तो हम हरी मिर्च कुटी हुई कूडी मैं कुट ली है हरी मिर्च कुछ नाल पावांगे हरी मिर्च आधा चमच पावांगे रेड मिर्च का नमक थोड़ा जा मसाला गरम धनिए सुके का पाउडर नमक थोड़ा मैं कम लग रहा है हम अच्छी तरह इन मिक्स कर दें मिक्स करके तो फिर ये परांठे जड़े बनाने तैयार करते हैं। मसाला साड़ा सारा रेडी हो गया सी हुण मरियम बेटी ने लगी आ परांठे बनाने हम परांठे दे विच वेल कर करके रख ली छोटे छोटे पेड़ियां दी ते हुण मसाला विच पूरा करू मसाला पूरा करके ते नाल फिर परांठे बनाने तैयार करूँगी। लो जी मूलियां वाला परौंठा हो गया साड़ा तैयार ते क्योंकि हुण उपर दे थल्लांगे ते घिओ लावांगे मूलियां दे परांठे तैयार हो रहे मरियम बेटी बना रही है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी परौंठे हो रहे तैयार परौंठा पक के साडा तैयार हो चला। मैं मूलियां भी मेहमान ही हां जी हां जी एंड हो चला सी मैं बाहर लब लब के लिए आई हां। हाँ जी बस कुछ वो सुबह मेहमान आए सी उन्होंने पटक दे दितियां सी ना पक के तैयार हुंदे ते फिर क्योंकि अच्छा ते बहुत ज्यादा भूख लगी है। मूली वाला परौंठा हो गया माशाल्लाह साडा रेडी बहुत प्यारे बन चले। लो जी अज असी माशाल्लाह बहुत इंजॉय किया अपने भैन भरावों भी नाल इंजॉय कराया तो घूम फिर के सारे तो मैं हूँ आ चुकी सी घर घर आए हैं तो मूलियां वाले परौंठे जड़े तैयार हो रहे थे मरियम बेटी कह रही थी मैं जिम्मे बनाऊँगी तो हूँ घर आ गए हैं मूलियां वाले परौंठे जो मसाला सारा मैं रेडी करके देता वा तो हूँ लगी है मरियम बेटी मूलियां वाले परौंठे बनाई जाती है अच्छा तब्बू भी आ जाते हैं वो बाजार गए हुए हैं क्योंकि थोड़ी चीज़ मैं होर तैयार कर ली सी वास्ते थोड़ा समान लैन गए घर लैके आ जाते हैं तो फिर असी मज़े मज़े ना खाने परांठे तो जे मेरे भैन भरावान ने खाने हैं तो आ जाओ सारे मिल के खाइए। तो अज मैं अपने अबू जी मेरे तो दुनिया से चल गए तो अज वो परानी यादा याद आईया
ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਗਾਜਰਾਂ ਵੀ ਪੱਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਗੁੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵੇਲਣਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੇਸੀ ਖੰਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਈ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਪੱਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਸੀਗੀ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁੜ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਊਂਗੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਅਗਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਕਰੀਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਓ, ਕਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੀਲਾ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੇਉਲਾਦ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕਰੋ ਸਾਲੀ ਅੱਲਾ ਕਰ, ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਯੂਟਿਊਬ ਫੈਮਿਲੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਔਰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।